नमस्कार, मैं हुशवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 26 सितंबर, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कलश स्थापना के साथ आज से आरंभ हुई नवरात्रि। मच्छरों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग कर रही लोगों को जागरूक। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह का किया आवंटन। लोगों को जाम से मिलेगा निजात, तैयार किया गया नया प्लान। सूर्या विराट ने दिलाई भारत को शानदार जीत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कलश स्थापना के साथ आज से आरंभ हुई नवरात्रि। सोमवार यानी आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। मां दुर्गा की आराधना के लिए मंदिरों और पूजा पंडालों में विशेष तैयारियां की गई हैं। घरों में भी कलश स्थापना को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। चौक चौराहे सहित बाजार नवरात्रि के आरंभ के एक दिन पहले से ही गुलजार हैं। बता दें कि इस बार नवरात्रि पर आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि को सुबह सूर्योदय के समय सर्वार्थ सिद्धि नामक शुभ योग रहेगा। इन सब के बीच उत्तम संयोग यह है कि हस्त नक्षत्र इस दिन पूरे दिन रहेगा और माता दुर्गा हाथी पर अपने दिव्य लोक से धरती पर आएंगी। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से की गई पूजा अर्चना के साथ कलश की स्थापना लाभकारी होगी। कचुदाह झील इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय ऐतिहासिक और तीर्थस्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है कचुदाह झील। किशनगंज में कचुदाह झील पक्षी देखने वालों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक जरूरी यात्रा हो जाता है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों की मेजबानी करती है। मतलब यहाँ भारी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुँचते हैं। आप यहाँ जूट और बाँस के हस्तशिल्प के स्मृति चिन्ह घर ले जा सकते हैं जो शहर की विशेषता है। डे मार्केट, चौक और गांधी चौक जैसे कई स्थानीय बाजारों के चारों ओर एक साधारण सैर आपको अद्भुत संस्कृति की झलक प्रदान करती है। इस साल 6 नवंबर से शुरू होगा सोनपुर का मेला। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर का मेला का आयोजन इस साल 6 नवंबर से 7 दिसंबर तक पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। वहीं मेले का उद्घाटन 6 नवंबर को होगा। मालूम हो कि वर्ष 2020-21 में कोरोना को लेकर सरकार के निर्देशानुसार मेले का आयोजन नहीं हो सका था। ऐसी स्थिति में इस बार मेले के आयोजन को लेकर सोनपुर के आसपास के गाँवों के साथ साथ विभिन्न राज्यों, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से आने वाले व्यवसायियों के मेले में शामिल होने तथा अपना व्यवसाय करने की उम्मीद है। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। मच्छरों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग कर रही जागरूक। मानसून की बारिश में जगह जगह जल जमाव देखने को मिल रहे हैं। जल जमाव की जगह मच्छर अपना घर सबसे पहले बनाते हैं। ये मच्छर हमें बीमार भी कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम अपने आसपास जल जमाव ना होने दें। इसके लिए बिहार सरकार भी लोगों को जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने एक पोस्टर जारी करते हुए आवश्यक सलाह साझा की है, जिसमें लिखा गया है कि घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। कूलर, गमले, टायर इत्यादि में जमे पानी को तुरंत बहा दें। पानी की टंकी को सही तरीके से ढक कर रखें। सोने वक्त मच्छरदानी का उपयोग करें। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े का उपयोग करें। घर के आसपास साफ सफाई रखें तथा घर के आसपास जमे पानी पर कीटनाशक का छिड़काव करें। झारखंड से लाई गई 105 कार्टन शराब बिहार में जब्त। शराबबंदी वाले बिहार में आए दिन शराब जब्त किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लखीसराय जिले के बड़हिया थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल बड़हिया थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के खुटहा में छापेमारी की। पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर अपने एक मिनी ट्रक से शराब उतारने वाले हैं। इसी के बाद पुलिस ने छापेमारी की, तस्करों से शराब बरामद किया। पुलिस ने तस्करों के पास से 105 कार्टन शराब बरामद की। इसकी मात्रा करीब 945 लीटर है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे संप्रदा सिंह की। संप्रदा सिंह का जन्म बिहार के जहानाबाद में हुआ था। उन्होंने 1973 में अपने छोटे भाई वासुदेव नारायण सिंह के साथ अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड की स्थापना की और इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और उनके भाई अल्केम के वर्तमान प्रबंध निदेशक हैं। अल्केम लेबोरेटरीज भारत में फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन और न्यूट्रास्यूटिकल्स का विकास, निर्माण और विपणन करता है। इसका यूरोप, अफ्रीका, एशिया, प्रशांत, दक्षिण अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में संचालन है। 2017 में संप्रदा सिंह की अनुमानित कुल संपत्ति $3.3 बिलियन थी। 27 जुलाई 2019 को उनका निधन हो गया।
विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी विदेश में पढ़ाई करने का सोच रहे हैं लेकिन वित्तीय समस्या है तो यह खबर आपके लिए है। जी हां, आपको बता दें कि अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए भी बिहार के छात्र छात्राओं को 4 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। इसके अलावा IIT, NIT और IIM जैसे राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले राज्यों के विद्यार्थियों को भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपए की सीमा को शिथिल करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया और वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाने का आदेश वित्त विभाग को दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह का किया आवंटन। बिहार में निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। बीते 24 सितंबर को निकाय चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन संपन्न हुआ और अब इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया है। इस बार निकाय चुनाव खास होने वाला है क्योंकि इस बार मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का भी चुनाव सीधे जनता करने जा रही है। इससे पहले के चुनाव में जनता सिर्फ वार्ड पार्षद का चुनाव करती थी और वार्ड पार्षद मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव करते थे। बताते चले कि पहले चरण का मतदान 10 अक्टूबर को जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 अक्टूबर को होना है। वहीं तीसरे फेज के मतदान की तिथि चुनाव आयोग ने अभी घोषित नहीं की है। दुर्गा पूजा को लेकर किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू है। ऐसे में लोगों की भीड़ और सड़कों पर लोगों की चहलकदमी बढ़ने को लेकर प्रशासन भी सजग है। वहीं कोरोना काल के 2 साल बाद राजधानी पटना में धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाएगा। उम्मीद है कि इस वर्ष राजधानी के विभिन्न पूजा पंडालों में काफी भीड़ जुटेगी। ऐसे में पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि बिहार के संवेदनशील जिलों में अर्धसैनिक बल की कंपनियों को तैनात किया जा रहा है ताकि त्यौहार के मौके पर किसी तरह की अनहोनी ना हो। इसके अलावा दुर्गा पूजा पंडाल के साथ साथ विसर्जन को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। VTR में आदमखोर बाघ के रेस्क्यू के लिए पटना जू से रवाना हुई टीम। VTR के वन प्रमंडल के हरनाटाड़ वन क्षेत्र में बाघ को 2 बार बेहोशी की दवा देने के बाद भी आदमखोर बाघ वन कर्मियों के पकड़ से दूर है। ऐसे में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में आदमखोर बाघ पर काबू पाने के लिए बीते दिन पटना जू से रेस्क्यू टीम रवाना हुई है। बाघ को पकड़ने के लिए 5 वन क्षेत्रों के वन कर्मियों के साथ पटना जू की रेस्क्यू टीम भी अपना सहयोग देगी। पटना जू से रवाना हुई रेस्क्यू टीम में एक पशु चिकित्सक समरेंद्र कुमार के साथ 3 वन कर्मियों को भी शामिल किया गया है। VTR के हरनाटाड़ वन क्षेत्र में आदमखोर बाघ के आतंक से ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। इस बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग के 5 वन क्षेत्र के कर्मियों को लगाया जा रहा है। जल जीवन हरियाली योजना में नाबार्ड करेगा मदद। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के लिए नाबार्ड मदद करेगा। फिलहाल मुंगेर और रोहतास की जल जीवन हरियाली योजना पर काम होगा और इसी आधार पर भविष्य में अन्य जिलों की योजनाएं ली जाएंगी। आपको बता दें कि जल जीवन हरियाली योजना में बांध को दुरुस्त करने के अलावा पोखर आहड़पइन के जीर्णोद्धार की योजनाएं ली गई हैं, जिसमें मुंगेर की 10 और रोहतास की 2 योजनाओं पर काम होगा। लघु जल संसाधन विभाग इन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर व्यापक प्लान बना रहा है, जिसके लिए नाबार्ड जल जीवन हरियाली के तहत 8 करोड़ 70 लाख की योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी है। इस दिन रहेगी बिहार के डॉक्टरों की हड़ताल। बिहार के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर आगामी 6 अक्टूबर को हड़ताल पर जा रहे हैं। दरअसल बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ भाषा के महासचिव डॉक्टर रंजीत कुमार की अध्यक्षता में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार स्थित परिसर में संघ की कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार की लगातार उपेक्षा, चिकित्सकों की कमी, कार्य अवधि तय करने, बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने के पूर्व आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने सहित विभिन्न मुद्दों व लंबित मांगों को लेकर डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे। आगामी 6 अक्टूबर को हड़ताल के दौरान OPD सर्विस का बहिष्कार करेंगे। वे किसी भी मरीज का OPD में इलाज नहीं करेंगे। हालांकि डॉक्टर इमरजेंसी सेवाओं व इंडोर सेवा में मरीजों का इलाज करेंगे। लोगों को जाम से मिलेगा निजात, तैयार किया गया नया प्लान। बिहारवासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। बिहार के वैसे सड़क जहां जाम की समस्या अधिक है उन सड़कों को प्राथमिक तौर पर चौड़ा किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के अधीन 15,273 किलोमीटर प्रमुख जिला सड़क का चौड़ीकरण चरणवार तरीके से होगा। इसके अंतर्गत 1 लेन की सड़क को इंटरमीडिएट लेन, वहीं इंटरमीडिएट लेन को 2 लेन की सड़क, तो वहीं वैसे सड़क जो 2 लेन के हैं पर फिर भी वहां जाम की समस्या है ऐसे सड़कों को भी चौड़ा किया जाएगा। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद लोगों को जाम से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का पूरे बिहार में वज्रपात को लेकर अलर्ट। बिहार में लौटता मॉनसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज उत्तर और पूर्वी बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
आज सभी जिलों में कहीं कहीं ठंड का गिरने का खतरा बना रहेगा। ऐसे में लोगों से अपील की जाती है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। इसके अलावा बेतिया, गोपालगंज, सिवान और छपरा में भी तेज बारिश की संभावना है। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी समेत उत्तर बिहार के अन्य जिलों में भी बारिश हो सकती है। कृषि मंत्री का विवादित बयान, अपने ही कृषि अधिकारियों से खफा कृषि मंत्री ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। कुछ दिन पहले कृषि अधिकारियों को चोर और खुद को चोरों का नेता बताने वाले कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस बार कहा कि अगर मेरे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पैसा मांगते हैं तो जूते से पीटिए, जो होगा मैं देख लूंगा। दरअसल बीते दिन कृषि मंत्री कैमूर जिले के भगवानपुर के कन्या मध्य विद्यालय में पहुंचे। इस दौरान किसानों ने मंत्री से कृषि विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागों के पदाधिकारी व कर्मियों द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने ये बातें कही। लालू नीतीश ने सोनिया से की मुलाकात। केंद्र से भाजपा का सफाया करने के लिए बिहार की महागठबंधन सरकार एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए है। इसी सिलसिले में बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे। इस दौरान राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। इस दौरान लालू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सोनिया गांधी से हम लोगों ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। मैडम ने कहा कि संगठन का चुनाव है, 12 दिन के बाद हम लोग मैडम से फिर से मिलेंगे, उसके बाद सब लोग बैठकर बात करेंगे। लालू यादव ने कहा कि देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, गरीबी बेरोजगारी से जनता परेशान है, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस डूबता जहाज डूब जाएंगे नीतीश कुमार। बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू यादव सहित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे, जिसको लेकर भाजपा लगातार तंज कस रही है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने लालू, नीतीश और सोनिया की मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा कि सोनिया गांधी नीतीश कुमार को कभी भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पुत्र राहुल गांधी खुद भारत जोड़ो यात्रा में पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस मात्र 2 राज्यों तक सिमट गई है। सुशील मोदी ने अपने ट्विटर पर कहा कि कांग्रेस अब डूबता जहाज है, गठबंधन बनाकर नीतीश कुमार उसमें डूबने वाले हैं। लालू यादव को लेकर उन्होंने कहा कि अपने दौर में से मात्र 4 सीट जीता करते थे, अब लालू का दौर समाप्त हो चुका है। इनेलो की रैली में गर्जे नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश भर के विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच बीते दिन केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल ने फतेहाबाद सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया। इसमें 11 राज्यों के प्रमुख नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दौरान विपक्षी नेताओं के निशाने पर बीजेपी रही। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनेलो की रैली में कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई लड़ाई नहीं है, भाजपा अशांति पैदा करना चाहती है, मैं कांग्रेस समेत सभी दलों में से एक साथ आने की अपील करता हूं, तभी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा बुरी तरह से हारेगी। तेजस्वी ने कहा, यहां बैठा हर शख्स संविधान और देश को बेचने से बचाने आया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव केंद्र सरकार के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर भड़ास निकाली। बता दें कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल की 109वीं जयंती पर देश के 11 राज्यों के प्रमुख नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। डिप्टी सीएम भी वहां पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये लोग देश बेच देंगे, रेलवे बेच दिया, इंडियन ऑयल बेच दिया, सब कुछ बेचने पर लगे हैं, इनसे देश को बचाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में नौजवान डरने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को करारा जवाब देना होगा। संजय जायसवाल ने नीतीश के जनता दरबार को फिर कहा नौटंकी। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर सियासत तेज है। अमित शाह के दौरे को लेकर जदयू नेताओं की ओर से किए जा रहे कटाक्ष पर जायसवाल ने जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को राजनीतिक चैलेंज देते हुए कहा कि वह अगला लोकसभा चुनाव लड़कर दिखा दे, उन्हें फिर से उसी तरह की हार झेलनी होगी जैसे हार 2014 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर में ललन सिंह की हुई थी। उन्होंने कहा कि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव ललन सिंह इसलिए 1 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल किए थे क्योंकि तब मोदी के चेहरे की वजह से ही यह मुमकिन हो सका था। वहीं नीतीश कुमार के जनता दरबार के बारे में कहा कि जो लोग वहां अपनी फरियाद लेकर आते हैं उससे पहले ही विषय वस्तु के बारे में पूछ लिया जाता है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री अफसर के सामने नौटंकी करते हैं। भगत सिंह को मिलेगा ये खास सम्मान। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात में बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह की जयंती मनाएंगे, साथ ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने प्रखर मानवतावादी चिंतक और महान सपूत दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर उन्हें याद किया। वहीं नामीबिया से लाए गए उन 8 चीजों का नाम सुझाने के लिए भारतवासियों को कहा है।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। सचिन तेंदुलकर ने 1998 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 18वां शतक लगाकर डेसमंड हेन्स का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 में हुआ। भारतीय कवि, वकील और राजनीतिज्ञ गुलाम भीख नैरंग का जन्म 1870 में हुआ। नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकन अंग्रेजी लेखक T.S. इलियट का जन्म 1888 में हुआ। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सूबेदार जोगिंदर सिंह का जन्म 1921 में हुआ। फिल्म अभिनेता और निर्माता देवानंद का जन्म 1923 में हुआ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य के नर्तक, नृत्य निर्देशक और बैले निर्माता उदयशंकर का निधन 1977 में हुआ। हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक और संगीतकार हेमंत कुमार का निधन 1989 में हुआ और आज ही के दिन मूक बधिर दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे प्रति माह मिलने वाले 3400 रुपए के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे ज्ञानवीर योजना के तहत मिलने वाली राशि के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि यह दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ज्ञानवीर योजना के तहत पंजीकरण करने पर सभी युवाओं को प्रतिमाह 3400 रुपए दिए जाएंगे। PIB ने यह दावे को फर्जी बताया है। इसी तरह की और साथ ही कहा है कि इस तरह की किसी भी वेबसाइट या लिंक पर अपनी निजी जानकारी साझा ना करें। इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए एक और फीचर। मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने वैश्विक स्तर पर एक नया फीचर शुरू किया है जो यूजर्स को लंबे समय तक निर्बाध कहानियां अपलोड करने की अनुमति देगा। वर्तमान में यदि कोई इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता 60 सेकंड से कम की स्टोरी अपलोड करता है तो उसे 15 सेकंड की क्लिप में विभाजित किया जाता है। मेटा के प्रवक्ता ने टेक क्रंच को बताया कि अब आप 15 सेकंड की क्लिप में स्वचालित रूप से कटने के बजाय 60 सेकंड तक लगातार स्टोरीज चला और बना पाए। सूर्य विराट ने दिलाई भारत को शानदार जीत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच को भारत ने सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली के पारियों के दम पर जीत दर्ज कर ली। इस जीत के साथ भारत ने T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए 187 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर एक गेंद रहते हासिल कर लिया। 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज KL राहुल एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए, लेकिन दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 100 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी कर डाली। स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव धुआंधार पारी खेलकर आउट हुए। भारत को तब जीत के लिए सिर्फ 5 रनों की दरकार थी। कोहली ने 48 गेंदों पर 63 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 5 चौके और इतने ही छक्के निकले। फिनिशर दिनेश कार्तिक कोहली के आउट होने के बाद आए और उन्होंने 1 रन लेकर हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक दिया और पांड्या ने विकेट के पीछे चतुराई से चौके लगाकर भारत को 1 गेंद रहते जीत दिला दी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत सिंह, राकेश शर्मा, अंकित आनंद मिश्रा, अनवर करीम खान, मंतोष कुमार, पवन सिंह, रंजन कुमार, रोशन कुमार, अभिषेक कुमार, राजकुमार प्रसाद और हार्दिक झा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने में लालू नीतीश सफल हो पाएंगे या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।